हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं जैस्मिन कौर और बच्चों आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिकल 8 की। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिकल 8। सो बच्चों, टैक्सोनॉमिकल 8 में हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, की, कैटेलॉग, मैनुअल, मोनोग्राफ और फ्लोरा। ये सारे टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे टैक्सोनॉमिकल 8 के अंदर। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे हम व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल 8। टैक्सोनॉमिकल 8 क्या है? टैक्सोनॉमिकल 8 की हेल्प से हम किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं और तो और इसकी हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में प्लेस करते हैं। ठीक है, या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं या तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं, और तो और हम स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, सो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे प्रोसीजर्स और टेक्निक्स को एस्टेब्लिश किया ताकि हम स्पेसिमेंस को स्टोर कर पाए, प्रिजर्व कर पाए उनके इंफॉर्मेशन को, और अगर हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़े तो उसकी हम उसको हम यूज कर लें। ठीक है, सो सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल 8 है जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं, हर्बेरियम। तो देखिए हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, हर्बेरियम क्या है? कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, तो हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है। ठीक है, जिसमें हम प्लांट ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, शीट में प्रिजर्व करते हैं, और जो हर्बेरियम शीट होती है जिसपे हम अपने स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं उसकी लेंथ होती है 11.5 इंच और उसकी ब्रेथ होती है 16.5 इंच। ठीक है, प्लांट स्पेसिमेन को हम एक स्पेशल टाइप के बॉक्स में क्या करते हैं बच्चों? कलेक्ट करते हैं, और उस स्पेशल टाइप के बॉक्स को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलम। ठीक है, हर्बेरियम शीट जो है, ठीक है, उसमें हम करते क्या है, जैसे सपोज बच्चों देखिए ये हमारे पास हर्बेरियम शीट है। ठीक है, तो ये जो हर्बेरियम शीट है सबसे पहले हम करेंगे क्या, हर्बेरियम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्लांटलेट होना चाहिए, मतलब उसमें स्टेम, छोटी सी रूट, लीव्स होनी चाहिए, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा फ्रूट या फ्लावर चलेगा। तो सबसे पहले हम अपने स्पेसिमेन को, ठीक है, जो हमने कलेक्ट किया है फील्ड से, उसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ठीक है, और पेपर में रैप करके रख देंगे ताकि उसका सारा का सारा जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाए, और जब हमारा प्लांट स्पेसिमेन ड्राई हो जाएगा तो हम इस शीट पे उसको माउंट कर देंगे। ठीक है, हमने उसको माउंट कर दिया, माउंट करने के बाद हम उसकी लेबलिंग करेंगे। ठीक है, सो हमें क्या मेंशन करना है, एज यूजुअल केपीसी ऑफ जीएस। केपीसी ऑफ जीएस क्या है बच्चों? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, दूसरा किस जगह से हमने इस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है। ठीक है, प्लांट का इंग्लिश नेम, प्लांट का लोकल नेम और प्लांट का बोटेनिकल नेम हम मेंशन करते हैं। ठीक है, जिस ह्यूमन ने कलेक्ट किया है उसका नाम, कलेक्टर नेम, ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं ताकि हम इजीली स्टडी कर पाए। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द नेम ऑफ प्लांट रिटन ऑन द हर्बेरियम शीट इज 8। ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट पढ़ा है। पहला ऑप्शन है लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम, तीनों ही नाम मेंशन करते हैं तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी स्टोर ड्राई प्लांट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ठीक है, सो ऑप्शन क्या होगा आपका, उसमें पहले मेंशन कर दिया ड्राई प्लांट, तो आंसर होगा आपका हर्बेरियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बोटेनिकल गार्डन के बारे में। देखिए बोटेनिकल गार्डन में हम
लिविंग प्लांट स्पीशीज को ग्रो कराते हैं। ठीक है, हर्बेरियम में क्या होता है, ड्राइड प्लांट होते हैं, जबकि बोटेनिकल में लिविंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, सो प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन, हम वहां पे प्लांट स्पीशीज को ग्रो कराते हैं। क्यों ग्रो कराते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, और हर एक प्लांट पे लेबलिंग होती है कि वो कौन, क्या उसका साइंटिफिक नेम है और वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें वहां पे मेंशन होती है। ठीक, तो सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है वो कहाँ का है, क्यू इंग्लैंड, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहां पर है, हावड़ा में। ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, लखनऊ। अब बोटेनिकल गार्डन देखिए, बोटेनिकल गार्डन में हम लोग क्या करते हैं, शर्ब्स को और ट्रीज को ग्रो कराते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं एर्बोरिटम। क्या बोलते हैं बच्चों, एर्बोरिटम। ठीक है, सो एर्बोरिटम वो प्लेस है जहां पर हम ट्रीज को, शर्ब्स को, ठीक है, कभी कभी हर्बेशियस प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए, साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए। ठीक है, सो याद रहेगा एर्बोरिटम क्या है, एर्बोरिटम एक वो प्लेस है जहां पर हम ट्रीज, शर्ब्स, इवन हर्बेशियस प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एर्बोरिटम जो है वो पार्ट है किसका, बोटेनिकल गार्डन का, इट इज अ पार्ट ऑफ बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, ओके, अब आता है म्यूजियम। देखिए, म्यूजियम वो प्लेस है जहां पर प्लांट स्पेसिमेन, एनिमल स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे हैं वहां पे, डेड। ठीक है, अब स्पेसिमेंस को हम प्रिजर्व करते हैं कंटेनर्स में, जार में, और जार में डालते क्या है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ताकि जो हमारा स्पेसिमेन है वो डिके ना हो, खराब ना हो, सड़े ना। ठीक है, सो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में हम किसका यूज करते हैं, आपको आगे फॉर्मलिन का। ठीक है, अब जो फॉर्मलिन है, ठीक है, उसमें क्या क्या ऐड है, फॉर्मल्डिहाइड, साथ में ऐड हमने किया है वाटर। सो ओवरऑल हम इसको बोलते हैं फॉर्मलिन। ये है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जिसमें हम प्लांट स्पेसिमेन और एनिमल स्पेसिमेन को बच्चों करते हैं प्रिजर्व स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है, अब प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन जो हम प्रिजर्व करते हैं वो ड्राई स्पेसिमेन होते हैं, इवन हम इंसेक्ट्स को भी प्रिजर्व करते हैं इंसेक्ट के बॉक्सेस में। ठीक है, दूसरा लार्ज एनिमल्स जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, इनको भी हम स्टफ्ड और प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, इवन म्यूजियम में हम एनिमल के स्केलेटन को भी क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन हावड़ा, फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू कहां पे लोकेटेड है, इंग्लैंड। ठीक है, अ म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, म्यूजियम में हम किसको कलेक्ट करते हैं बताएं, प्रिजर्व प्लांट, प्रिजर्व एनिमल, स्केलेटन, तीनों को करते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following animal are usually stuffed and preserved? ठीक है, तो लार्ज बर्ड्स को भी हम करते हैं, मैमल्स को भी करते हैं, लिजर्ड्स को भी करते हैं, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखिए भाई फ्लोरा में क्या आते हैं, प्लांट्स, तो वो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि एनिमल तो मूव करते हैं, पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहते। ठीक है, प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया,
अब हम पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क। सो बच्चों, आप सभी लोग जू जरूर गए होंगे, ठीक है। सो जू को हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क वो प्लेस है जहां पर हम वाइल्ड एनिमल्स को कैप्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स में, ठीक है। और वो जो प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट है जहां पे हमने एनिमल को कैप्ट किया हुआ है, रखा हुआ है, वो किसके अंडर में होता है? ह्यूमन केयर के अंडर में होता है, ठीक है। उसमें हम जानते हैं कि एनिमल की फूड हैबिट्स क्या है, एनिमल का बिहेवियर क्या है, इन सब के बारे में हमें पता चलता है जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया, तो तीन नाम आपको अच्छे से याद करने हैं, इस एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। महेंद्रा चौधरी जूलॉजिकल पार्क पंजाब में है, छतबीर में। कानपुर जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, ये तीनों जूलॉजिकल पार्क आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो जूलॉजिकल पार्क आर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? जूलॉजिकल पार्क में हम क्या रखते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स को? नहीं। पेट एनिमल्स को? नहीं। इंडेंजर्ड प्लांट को? नहीं। हम रखते हैं वहां पे वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवर को, ठीक है। लाइव स्पेसिमेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो देखो भाई, जूलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल्स होते हैं और बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं। सो ऑप्शन क्या होगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ जूलॉजिकल पार्क? जूलॉजिकल पार्क का कौन सा फीचर है? एक वो जगह जहां पे हम वाइल्ड एनिमल की फूड हैबिट्स के बारे में जानते हैं, या एक वो जगह जहां पे हम वाइल्ड एनिमल के बिहेवियर को जानते हैं, या एक वो जगह जहां पे हम वाइल्ड एनिमल्स को कैप्ट करते थे? तीनों ही चीजें वहां पर हो रही है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे की के बारे में। देखिए की क्या है? तो की एक बेसिकली टूल है जिसका यूज करते हैं हम प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए। और आइडेंटिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं? सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस में, ठीक है, कि जो भी प्लांट स्पीशीज है या जो भी एनिमल स्पीशीज है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बच्चों, किस बेसिस पे कर रहे हैं? उसकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे, ठीक है। सो की जो है वो किस पे बेस्ड है? आप कहोगे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पे बेस्ड है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट करेक्टर, और वो करेक्टर जो हमेशा किस में मिले? आपको पेयर में मिले। सो ऐसे करेक्टर को बच्चों हम लोग बोलते हैं कपलेट। क्या बोलते हैं? कपलेट। सो कपलेट जो होता है वो पेयर में होता है, ठीक है। अब हमारे पास दो अपोजिट ऑप्शन है, लेकिन हम चूज या फिर हम एक्सेप्ट किसी एक ही को करते हैं, और जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं लीड, ठीक है, क्लियर। सो की जो है जनरली एनालिटिकल इन नेचर है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर टैक्सोनॉमिक ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब अलग अलग टैक्सोनॉमिक की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ताकि हम अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे फैमिली, जीनस, स्पीशीज को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। तो देखिए, एक से एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आता है बच्चों? वर्टिब्रेट्स में मैमल्स आते हैं, ठीक है, बर्ड्स मतलब एप्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, उसके अलावा पाइसेस मतलब फिशेस आती हैं, ठीक है, ये सारे एनिमल्स आते हैं। अब देखिएगा ध्यान से। सो हमने यहां पे मेंशन कर दिया Does it have fur? ठीक है,
एक साइड हमने लगा दिया मैमल को और एक साइड हमने मेंशन कर दिया बर्ड्स को। सो आप बताओ कि फर्क किसमें होते हैं, बर्ड्स में कि मैमल्स में? मैमल्स में। सो यस, बर्ड्स में नहीं होते। तो हमने एक एक सेप्ट किया दोनों में से। ओके अब देखिए, डस इट हैव फेदर? ठीक है, तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया बर्ड और यहां पे हमने मेंशन कर लिया रेप्टाइल। तो बताइए किसमें फेदर होते हैं? बर्ड्स में। यस रेप्टाइल नो। ठीक है, अब रेप्टाइल से स्टार्ट करते हैं। डस इट हैव ड्राई स्किन? सो आप रेप्टाइल में क्या लिखोगे? यस, और पाइसेस में क्या लिखोगे? नो। ठीक है, देन डस इट हैव स्केल? अब स्केल किसमें होते हैं? सो पाइसेस में हो गया, यस। ठीक है, एम्फीबियंस में हो गया, नो। क्लियर हुआ? सो ओवरऑल सारे वर्टिब्रेट्स हैं, बट हर एक करेक्टर के बेसिस में ये वर्टिब्रेट्स जो है वो कैसे हैं? डिफरेंट है, और इसी के आइडेंटिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं की। ठीक है, सो अभी आपको की बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो की जो है, ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा एड है जिसकी हेल्प से हम प्लांट और एनिमल स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं? सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना वो ये है कि हम की में कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट करेक्टर लेते हैं। ये जो अपोजिट करेक्टर होते हैं ऑलवेज इन पेयर होते हैं, और पेयर में जब कभी भी करेक्टर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कपलेट। ठीक है, अब कपलेट में दो करेक्टर है लेकिन हम ऑप्ट किसी एक ही करेक्टर को करेंगे, और जिस करेक्टर को हम ऑप्ट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं लीड। ठीक है, और इन्हीं तीनों पॉइंट से आपको मिलेगा क्वेश्चन। सो देखिए, की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड। बताइए, अभी हमने पढ़ा है कपलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड की? इनकरेक्ट आपको बताना है इसमें से। यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लेड, ये भी सही है। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये भी पॉइंट सही है। यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ओनली, ये पॉइंट है बच्चों इसका इनकरेक्ट। सो ऑप्शन इज डी। अब हम पढ़ेंगे सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, अब सबसे पहला इसमें आता है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है भाई? एक छोटी सी बुकलेट होती है जिसकी हेल्प से हम, ठीक है, ये पता लगाते हैं कि जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके बोटेनिकल टाइटल्स क्या हैं, ठीक है, जिन ऑथर्स ने उनको आइडेंटिफाई किया है उनके नेम क्या है, और जिस बुक में उसका डिस्क्रिप्शन है उस बुक का पब्लिकेशन नेम क्या है। ठीक है, उस पूरे की इंफॉर्मेशन बुकलेट को हम लोग बोलते हैं कैटलॉग। ठीक, दूसरा आता है फ्लोरा। फ्लोरा जो है ये बेसिकली हमें किसी भी प्लांट की इंफॉर्मेशन देता है, प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन देता है उसके हैबिटेट के बेसिस पे। ठीक है, किस बेसिस पे? हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ एन गिवन एरिया। ठीक है, सो प्लांट, कोई भी प्लांट है उसका एक्चुअल हैबिटेट क्या है और वो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है उसकी नॉलेज हमें देता है फ्लोरा। ठीक है, नेक्स्ट मैनुअल्स। मैनुअल्स भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं
और इन्हीं की हेल्प से हम किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं गिवन एरिया में, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है वहां पे स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है। सो हम उसके नेम से उसको क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई। तो ये इसकी स्टडी हम करते हैं मैनुअल्स में। और लास्ट है बच्चों मोनोग्राफ, किसी एक सिंगल टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन देता है मोनोग्राफ। मोनो का मतलब है वन, ठीक है, ग्राफ का मतलब क्या है, टेक्सॉन। सो किसी एक सिंगल टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन देता है मोनोग्राफ। देखिए आगे, विच टेक्सोनॉमिकल एड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सो ऑप्शन वन है मोनोग्राफ, बी मैनुअल, सी कैटलॉग, डी की। सो आंसर क्या होगा, मैनुअल, ठीक है। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन और किसमें, ए फैमिली, बी स्पीशीज, सी हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एंड डी एनी वन टैक्सॉन। सो आंसर इज एनी वन टैक्सॉन, ठीक है। लास्ट, मैनुअल कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन, मैनुअल हमें किस चीज पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एनी वन टैक्सॉन, नो, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, नो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, यस, ठीक है। सो बच्चों आज का हमारा टॉपिक, आज हमारा पूरा चैप्टर लिविंग बर्ड पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो अगर आपको मेरी ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, पार्ट वन पार्ट टू, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो ओके, बाय बाय।